आइए दोस्तों, नैन आईएएस में आपका एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अपने बढ़ते हुए कदम को आगे बढ़ाते हुए फिर आज एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप संविधान के बारे में पढ़े होंगे तो अनुसूचियां नाम से ही आप समझते हैं। अनुसूची मतलब एक ऐसी सूची जहां पर विषय वस्तु का क्रमवार व्याख्या व्यवस्था दिया गया है कि इस अनुसूची में इस विषय के बारे में बात की गई है, इस अनुसूची में इस बारे में, इस अनुसूची में, तो अनुसूचियों में क्रमागत विषय वस्तु के बारे में बातचीत की गई है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियां। स्रोत हमारा हो चुका है, अब हम पढ़ते हैं अनुसूचियों के बारे में। अनुसूची देखिए, अनुसूची के बारे में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यहां पे 8 अनुसूची। ये 8 अनुसूची जो है ये संविधान के आरंभ में थी। संविधान में मूल रूप में थी और 4 अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। ध्यान दीजिएगा, ये 1 से लेकर 1 to 8 ये था और यहां 9, 10, 11, 12। नवा प्रथम संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और ये 74वां संविधान संशोधन। ये 1951 में, ये 1985 में, ये 1992 में संविधान संशोधन आया था, ये भी 1992। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं सूचियों के बारे में। देखिएगा, जो पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, ये जो है प्रथम अनुसूची जो है इसमें देश, राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में, जैसे कि आप पहला भाग पढ़ते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ऐसे ही प्रथम अनुसूची संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। जैसा कि इसमें दिया गया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इसमें दिया गया भारतीय प्रथम अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ में शामिल राज्य। देखिए मित्रों, यहां से प्रश्न अनुसूची से, प्रथम अनुसूची से ये नहीं आता है कि विषय क्या है इसका। इसमें एक चीज ये पूछा जाता है मिलाने के लिए कि कौन सा राज्य कब बना, किस सन में बना। सन दे दिया जाता है, राज्य दे दिया जाता है मिलाने के लिए, ये प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं उन्हीं के आधार पर उतने ही राज्यों के बारे में यहाँ पे आपसे चर्चा करूंगा। अब विषय आते हैं भारतीय संघ में शामिल राज्य क्षेत्र, ये विषय है। कुछ राज्यों का और उनके निर्माण का ईयर में लिखूंगा, आप लोग उसको जरूर लिख लीजिएगा। मैं कुछ एक सिक्किम राज्य के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा, किस संविधान संशोधन द्वारा इसको भारत में शामिल किया गया चीनी प्रभाव से, वो बहुत पूछा जाता है, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए, एक तरफ लिखिए राज्य और दूसरी तरफ लिखिए आप वर्ष, कि उस वर्ष में वर्ष लिखिए। ठीक है, आप देखिए, पहले तो लिखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्या था
भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था। 1956 में इसको इसका पुनर्गठन किया गया और इसको कहा गया भाषाई आधार पर। ये बहुत पूछा गया है, पर गठित प्रथम राज्य। ठीक है, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है। अरे माफ कीजिएगा, ये 56 की जगह 53 है। आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद में गुजरात योग महाराष्ट्र, ये 1960 में ये पूछा जाता, चाहे गुजरात पूछ लेगा चाहे महाराष्ट्र पूछ लेगा, मिला देंगे। आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद में फिर केरल और कर्नाटक। केरल कर्नाटक 1956 याद रखिएगा। ये कभी कभी क्रम से पूछ लेते, निम्न में से राज्यों को कौन सा क्रम सही है इनके निर्माण की तिथि से। ठीक है, केरल ये है, कर्नाटक ये है, ये क्रम है पहले केरल का। ठीक है, इसके बाद में फिर आता है नागालैंड हरियाणा और हिमाचल का पूछा जाता है। नागालैंड हरियाणा और हिमाचल, जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया तो उस समय संघ क्षेत्र के रूप में हिमाचल प्रदेश था, बाद में इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नागालैंड को 1962 में किया गया था, 1962 में, ये 1962 में ये पूछा गया है। हरियाणा को 1966 में और हिमाचल प्रदेश को 1970 में। हाँ, 1970 में। ठीक है, मेघालय सिक्किम बहुत महत्वपूर्ण है, यह अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये चाइना के प्रभाव से भारत में शामिल हुआ है। ये जो है 1974-75 में, 1974 और 1975 दो चीज याद रखिएगा सिक्किम के बारे में। यहाँ पे भारत राज्य में संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है, और ये था 35वां संविधान संशोधन। ये था 36वां संविधान संशोधन। यहां देख लें मित्रों, 36वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, ये आप लोगों ने देख लिया होगा, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर सिक्किम के बारे में पूछा गया है। ये मिलाने के लिए, ये मिलाने के लिए, आप देखिए मिलाने के लिए आया, ये मिलाने के लिए आया है और ये मिलाने के लिए आया है। इतने मिलाने के लिए ईयर एक तरफ दे दिया गया है अक्सर, और एक तरफ राज्यों का नाम दे दिया गया है, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी क्रमागत उनके निर्माण के
ईयर से उनको बना सकते हैं। अब हम देखते हैं अनुसूची, प्रथम अनुसूची, इसके बाद में द्वितीय अनुसूची पे आते हैं। द्वितीय अनुसूची देखिए, आप लोगों के पास बेयर एक्ट होगा, एक बेयर एक्ट जरूर ले लीजिए, क्योंकि बिना उसके आप लोग का पढ़ाई कोई मतलब रखता नहीं। देखिए इसमें दिया हुआ है सेकंड शेड्यूल में, इसमें दिया है वेतन और भत्तों के बारे में। ये है वेतन एवं भत्ते, मतलब इसमें जो है द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्ते किसके, पहले दिया है राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, अगला फिर दिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर प्लस राज्यसभा सभा के सभापति। उसके बाद में आ गया ऐसे करके, मतलब जो संवैधानिक प्रमुख है उनके वेतन और भत्तों की इसमें बात की गई है। आप देखेंगे वेतन और भत्ते, इससे अधिक कुछ नहीं, ये मिलाने के लिए था। द्वितीय अनुसूची वेतन और भत्तों से संबंधित है। अब देखिए तृतीय अनुसूची, तृतीय चतुर्थ पंचम, ये सब पूछा जाता है। मैं जितना कह रहा हूं बस इससे ज्यादा पूछा ही नहीं गया है, इसलिए आप इससे ज्यादा अनावश्यक समय मत बर्बाद कीजिएगा। वेतन और भत्ते हो गया, तीसरा अनुसूची हो गया, देखेंगे आप तीसरा हो गया शपथ एवं प्रतिज्ञा। आप देखेंगे तृतीय अनुसूची, शपथ इसका विषय क्या है, शपथ प्रतिज्ञा, ठीक है, ये विषय है शपथ। तृतीय अनुसूची में मंत्रीगण राज्य केंद्र के सदस्य संसद उसके बाद में हो गया न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय। Right.
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सब के शपथ का जो प्राविधान है वो तृतीय अनुसूची में किया गया, परंतु याद रखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल का जो प्राविधान है वो उनके अनुच्छेद में किया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये पूछा गया प्रश्न है कि यहाँ पे किसके शपथ की प्राविधान नहीं किया गया है राज्य का। याद रखिएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की प्राविधान अनुच्छेद में किया गया है राष्ट्र, ठीक है। और ये किस चीज का, ये दोनों किस चीज का शपथ लेते हैं ध्यान रखिएगा, ये दोनों संविधान का संरक्षण परिरक्षण संरक्षण परिरक्षण इत्यादि का ये क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संविधान का संरक्षक कहा गया है राष्ट्रपति को, संविधान का संरक्षक कहा गया है, ना प्रधानमंत्री को ना मंत्रिमंडल को ना कैबिनेट को, किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति हमारा क्या है, संविधान का संरक्षक, लेकिन उच्चतम न्यायालय हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है। और संविधान का ये प्रश्न जान जाइएगा, इसको कहते हैं मूल अधिकारों का संरक्षक, दे रहा हूं। और संविधान को कहते हैं संविधान का गार्जियन अभिभावक, यानी बच्चा जब कोई काम गलत करता है तो उसके अभिभावक क्या करते हैं, डांटते हैं उसको। इसी प्रकार से जब कार्यपालिका द्वारा कोई संविधान के रूप कार्य नहीं किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय उस चीज को, उस पर उनको फटकार लगाती है, डांट लगाती है और उन्हें संविधान के मूल भावनाओं के रूप कार्य करने हेतु बात कर देती है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं चौथी अनुसूची पर। चौथी अनुसूची है लोकसभा का, लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। इसको हम लोग बताते हैं अब आगे चतुर्थ। देखिए राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो वहां की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों आप जानते हैं जब निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाए तो कोई राज्य छोटा है कोई राज्य बड़ा है, इसलिए एक रूपता लाने के लिए, जैसे किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख है, किसी का जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में एक रूपता लाने के लिए उनको अनुपातिक प्रणाली में बांट दिया गया है कि एक जनसंख्या इतनी जनसंख्या पे एक सदस्य होंगे, उसी अनुपात में जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उतने सदस्य होंगे। सपोज मान लिया कि हमने कहा कि ये 10 लाख लोग मिलके एक राज्य एक सदस्य का चुनाव करेंगे, 10 लाख पे हम एक विधायक करते हैं,
ठीक है। अब किसी राज्य की जनसंख्या मान लिया 50 लाख हो, ऐसे सो तो 5 विधायक हो गए। मान लिया, मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको, ये 5 विधायक मिलके मान लिया 3 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो 50 लाख में अगर आप 3 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 लाख। यानी 17 लाख अप्रत्यक्ष जनता मिलके 1 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कर रही है। मान लिया आपके उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है 20 करोड़, ऐसे आप 17 लाख से भाग दे दीजिए, जितना आएगा कट के उतने सदस्य राज्यसभा के हो जाएंगे। इस प्रकार से एक अनुपात समानुपाती एक अनुपातिक संबंध है कि इतने ही होंगे, इसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है। अब देखिए इसमें राज्यों का ये पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है मिलाने के लिए एक तरफ राज्य दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ राज्यसभा में उनका उनके सदस्यों का मतलब आवंटन की उस राज्य से कुल कितने राज्यसभा के सदस्य, ये मिलाने के लिए पूछा जाता है। आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न आ जाएगा तो करना, अगर आप नहीं पढ़े ध्यान से तो निःसंदेह आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए इसको जरूर फोकस कीजिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग जरूरत समझे तो नोट कर लें इसको। देखिए आपके बेयर एक्ट में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी नोट कर सकते हैं, आप चाहे जरा जैसा कि आप जानते हैं सबसे अधिक राज्यसभा सदस्यों की संख्या कहाँ पे है, आप उत्तर प्रदेश, आप देखिए यहाँ कितने सदस्य संख्या है 21, यहाँ पे सीटों की संख्या दिखा देते हैं, चतुर्थ अनुसूची क्या है, राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी ब्रैकेट में लिखते सीटों का आवंटन, आपको समझ में देखिए एक तरफ मैं राज्य लिखूंगा और दूसरी तरफ सीटों की संख्या, ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश 31, ठीक है, उत्तर प्रदेश 31, आंध्र प्रदेश 11 और तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उन्नीस, तमिलनाडु, तमिलनाडु में 18 और इसके बाद में जो है फिर आ जाता है बिहार, बिहार में है 16, ठीक है। अब देखिए ये मिलाने के लिए पूछा जाता है, ऐसे मिलाने आपको ये सीट याद करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आप एक प्रश्न अपना गंवा के चले आएंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता, वहां कंफ्यूजन होता है कि इसमें इतना है इसमें इतना, और जब तक आप 3 राज्यों को मिला नहीं लेंगे चौथा आपसे नहीं मिलेगा, आप 1 राज्य को मिला लेंगे इसे आपका प्रश्न सही नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। इसके बाद में कुछ राज्यों में समान है, जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, आंध्र, हाँ इसको और एक कर लीजिएगा, बिहार और प्लस पश्चिमी बंगाल, दो राज्यों में 16-16
और आंध्र प्रदेश गुजरात और एक राज्य और है जहां पे 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश मैं लिख दे रहा हूं पूरा आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश प्लस गुजरात यहां कितनी है 11 प्रत्येक राज्य ठीक है दोस्तों। ऐसे ही कर्नाटका कर्नाटका में 12 है, और फिर देखिए कई राज्यों में एक समान है, जैसे तेलंगाना हो गया, आसाम हो गया, आपका तेलंगाना आसाम पंजाब तेलंगाना आसाम प्लस पंजाब 7 सीटें ठीक है। ऐसे ही और देख लीजिए राजस्थान उड़ीसा यहां पे प्रत्येक राज्य में 10 सीटें हैं इसके बाद में केरला में 9 है हरियाणा के साथ में एक है चंडीगढ़ हरियाणा और चंडीगढ़ में 30 चंडीगढ़ को छोटा राज्य यहाँ हो ही नहीं सकता। 36 5 सीटें प्रत्येक राज्य ये आप और जितने छोटे राज्य हैं उनमें एक एक सीट है। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है क्या संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में आवंटन है तो आप कहेंगे यस। कथन कारण में आता है कि राज्यसभा का आवंटन संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है यह कथन गलत है। राज्यसभा क्योंकि दिल्ली से
दिल्ली का प्रतिनिधित्व और पांडिचेरी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। दिल्ली से एक सदस्य, एक में तीन सदस्य, माफ कीजिएगा, समझ है ना, तीन सदस्य। तो दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है, इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि है। कथन कारण में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक चुनाव आयोग का, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आप देखेंगे ये कई राज्यों के यहाँ से प्रश्न पूछे गए आप अंचल में, ठीक है। केरला का नौ सीट, देखिए मैंने नीचे लिखा, शायद आपको ना दिख रहा हो, केरला का प्रतिनिधित्व कितना है, केरला का नौ सीट, हरियाणा यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, हरियाणा ये यहाँ से यहाँ, हरियाणा और प्लस छत्तीसगढ़, इनका कितना है, पांच सीटें, ठीक है। अब आते हैं पंचम, पांचवी अनुसूची जो है वो जब हम अनुसूचियों को विस्तार से बताएंगे तब आप, इसमें एक चीज पूछा जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवी अनुसूची बस इतना जान जाइए कि एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है पांचवी, इससे कुछ प्रश्न अगर गहराई से पूछना चाहे तो ये